मूड़ पर्वत से लेकर पड़वन सागर तक की जगह का एक राजा था। प्यार से देखभाल करने वाली पत्नी और दो प्यारे प्यारे मासूम बच्चे, साथ ही साथ उनकी खुशी को अपनी खुशी समझने वाली प्रजा, उनके पास खुशहाल जिंदगी जीने के लिए सब कुछ था, बस कमी थी तो शांति की। राजा अपने महल का सिंगार करता है और साम्राज्य को फूलों से सजा देता है। राजा अपने बेटे के होने पर जितना खुश था, वो दैव को अपने साथ लेकर आता है। उस दिन के बाद राजा की जिंदगी में सुख शांति। ऋषभ शेट्टी ने अपनी फैंटेसी फिल्म कंटारा की रिलीज से प्रशंसकों को रोमांचित कर दिया, जो अपने मामूली बजट के बावजूद वैश्विक सनसनी बन गई। इसकी सफलता के बाद निर्माताओं ने जल्द ही कंटारा 2 की घोषणा कर दी, जो एक बहुप्रतीक्षित प्रीक्वल है। कंटारा 2 अब काफी बड़े बजट के साथ भव्य निर्माण के लिए तैयार है। पिछले एक साल से टीम इस फिल्म पर लगन से काम कर रही है और वास्तविक स्थानों और स्टूडियो में बड़े पैमाने पर शूटिंग कर रही है। पिनकविला की एक रिपोर्ट के अनुसार कंटारा 2 की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है। प्रोजेक्ट से जुड़े सूत्रों ने बताया कि ऋषभ शेट्टी और उनकी टीम ने आउटडोर हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली है, अब केवल 15 से 20 दिन की इंडोर शूटिंग बाकी है। फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन कार्य पहले ही शुरू हो चुका है। सूत्र ने कहा, कंटारा 2 कंटारा से कहीं बड़ी है, जिसमें कहानी में प्रीक्वल और पौराणिक तत्व शामिल किए गए हैं। कंटारा 2 पहली फिल्म की तुलना में बहुत ज्यादा विस्तृत है, जिसमें कहानी में प्रीक्वल और पौराणिक तत्व शामिल हैं। बेहतरीन दृश्य प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए निर्माताओं द्वारा काफी समय और संसाधन निवेश किए जाने की संभावना है, सूत्र ने बताया। हालांकि अधिकांश शूटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन टीम पोस्ट प्रोडक्शन और विजुअल इफेक्ट्स पर कोई समझौता नहीं कर रही है। विचार एक ऐसा उत्पाद पेश करने का है जो कंटारा 1 से 10 पायदान ऊपर हो। फिल्म की घोषणा करने वाला पहला प्रोमो भाग 2 की भव्यता को प्रदर्शित करने की एक झलक मात्र था। फिल्म निर्माता कंटारा 2 को 2025 की गर्मियों में रिलीज करने का लक्ष्य बना रहे हैं और फिल्म का प्रचार अक्टूबर 2024 में शुरू होगा।